इस थ्योरम के अंदर अल्फा कार्डिनल नंबर है डीन्यूमरेबल सेट का, बीटा कार्डिनल नंबर है अनकाउंटेबल सेट का, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ डीन्यूमरेबल सेट प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ अनकाउंटेबल सेट इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ अनकाउंटेबल सेट। लेट ए बी एन डीन्यूमरेबल सेट एंड बी बी एन अनकाउंटेबल सेट। ए का कार्डिनल नंबर अल्फा, बी का कार्डिनल नंबर बीटा। टू प्रूव डैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कार्डिनल नंबर होता है ए यूनियन बी का। इसको प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव कर देंगे कि ए यूनियन बी इक्विवेलेंट है बी के। इसको इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे ए यूनियन बी टू बी पे। उस मैपिंग को हम बाइजेक्टिव प्रूव कर देंगे। बाइजेक्टिव मीन उसे वन वन और ऑन टू प्रूव करना है। सिंस एवरी अनकाउंटेबल सेट इज इनफाइनाइट एंड एवरी इनफाइनाइट सेट कंटेन अ डीन्यूमरेबल सेट। अब बी एक अनकाउंटेबल सेट है इसलिए वो इनफाइनाइट है, और वो इनफाइनाइट है इस वजह से उसका एक डीन्यूमरेबल सबसेट भी होगा। लेट डी बी आर डीन्यूमरेबल सबसेट ऑफ बी। डी इक्वल है डी वन डी टू डी थ्री अप टू सोन। सेट ए के एलिमेंट ए वन ए टू ए थ्री अप टू सोन। अब एक मैपिंग डिफाइन की है एफ फ्रॉम ए यूनियन बी टू बी। देखें सेट बी के एलिमेंट में एक ये सबसेट आएगा जो डी न्यूमरेबल है डी, इसके एलिमेंट डी वन डी टू डी थ्री अप टू सोन। और एक सेट है बी माइनस डी, इसमें वो एलिमेंट हैं जो डी को बिलोंग नहीं करते, यानी सेट बी के वो एलिमेंट जो डी को बिलोंग नहीं कर रहे वो इसमें आ जाएंगे। तो बी के एलिमेंट आ गए सेट डी और बी माइनस डी। अब ए यूनियन बी के अंदर सेट ए के एलिमेंट होंगे ए वन ए टू ए थ्री, और यूनियन सेट बी के एलिमेंट होंगे। अब सेट बी में सेट डी के एलिमेंट हैं और सेट बी माइनस डी के एलिमेंट हैं। अब देखें मैपिंग कैसे डिफाइन की गई है। अगर तो एक्स बिलोंग करेगा बी माइनस डी को तो ये आइडेंटिटी मैपिंग है, यानी एक्स एक्स पे मैप हो जाएगा। एक्स वन बिलोंग कर रहा है बी माइनस डी को तो इसका इमेज एक्स वन ही होगा, एक्स टू का इमेज एक्स टू अप टू सो ऑन। अगर x बिलोंग कर रहे हैं सेट D को, यानी x इक्वल है डी एन, तो इस सूरत में जो इमेज आएगा वो डी टू एन माइनस वन है। यानी ये देखें ये डी वन डी का एलिमेंट है, इसका इमेज आएगा डी वन। ये डी टू डी का एलिमेंट, इसका इमेज डी थ्री। ऐसे ही डी थ्री का डी फाइव। और अगर हम x लेंगे सेट A का एलिमेंट, यानी x इक्वल हो ए एन के, तो इस सूरत में जो इमेज है वो डी टू एन है। ये ए वन ए का एलिमेंट, इसका इमेज आएगा डी टू। ये ए टू ए का एलिमेंट, इसका इमेज डी फोर। ये ए थ्री का डी सिक्स अप टू सो ऑन। अब इस फंक्शन को हमने वन वन प्रूव करना है। अब देखें एक्स वाई एलिमेंट लिए ए यूनियन बी के, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल ले लिया एफ ऑफ वाई के, और अब हमने प्रूव करना है कि एक्स इक्वल टू वाई है। फर्स्ट केस है कि अगर x और y जो है वो a के एलिमेंट है, तो इस सूरत में देखें f of x इक्वल टू f of y। अगर x a को बिलोंग करेगा तो इसका इमेज d2n है, तो x हमारे पास है am, इसका इमेज आ जाएगा d2m। y हमने ले लिया an, तो इसका इमेज आ जाएगा d2n। तो यहाँ से 2m इक्वल टू 2n implies m इक्वल टू n, m इक्वल टू m mean am इक्वल टू an, यानी x इक्वल टू y। तो इस केस में फंक्शन जो है वो वन वन हो गया। सेकंड केस है कि इफ़ एक्स वाई बिलोंग टू b implies, अगर एक्स वाई b का एलिमेंट है तो फिर या तो एक्स वाई b माइनस, अब b क्या है, ये b माइनस d यूनियन d है, तो एक्स वाई b माइनस d को बिलोंग करेगा या फिर d को बिलोंग करेगा। अगर ये b माइनस डी को बिलोंग करता है तो इस सूरत में जो फंक्शन है वो आइडेंटिटी है, यानी f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, तो f ऑफ x x के इक्वल, f ऑफ y y के इक्वल, तो ये फंक्शन वन वन हो गया। और अगर x y बिलोंग कर रहा है d को, तो इस सूरत में x इक्वल होगा डी एम, y इक्वल होगा डी एन। तो अगर x डी एन के इक्वल है तो इस सूरत में जो इमेज है वो डी टू एन माइनस वन है,
तो x इक्वल टू डी एम, इसका इमेज आएगा डी टू एम माइनस वन, और y है डी एन, इसका इमेज होगा डी टू एन माइनस वन। तो ये टू एम माइनस वन इक्वल टू टू एन माइनस वन, सिंप्लीफाई कर लें तो इसमें भी m इक्वल टू n आएगा, इट्स मीन डी एम इक्वल टू डी एन, एक्स इक्वल टू वाई, तो फंक्शन वन वन हो गया। थर्ड केस है इफ x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b। अब देखें अगर y b को बिलोंग कर रहा है तो b क्या है, b माइनस डी यूनियन d, तो y फिर इसको बिलोंग करेगा। अगर इस यूनियन को बिलोंग कर रहा है तो इट्स मीन y बिलोंग टू b माइनस डी आर y बिलोंग टू d। अब फर्स्ट केस है कि x बिलोंग कर रहा है a को एंड y बिलोंग टू b माइनस डी, तो इस सूरत में f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y ले लें। अगर x a का एलिमेंट है तो इमेज है डी टू एम, तो इसका इमेज आ जाएगा डी टू एम, और y बिलोंग कर रहा है b माइनस डी को, तो ये मैपिंग आइडेंटिटी है, तो इसका आंसर y ही आएगा। तो आप देखें ये एलिमेंट हमने लिया है b माइनस डी का, और ये एलिमेंट है सेट d का, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल है। सेकंड है कि इफ x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू d, तो इसमें देखें x आएगा am, y आएगा dn। अगर तो x d का एलिमेंट है तो इस सूरत में इमेज डी टू एन माइनस वन है, तो इसका इमेज आ जाएगा डी टू एन माइनस वन, और x a का एलिमेंट है तो इस सूरत में इमेज डी टू एन है, तो ये डी टू एम आ जाएगा। अब देखें 2m इक्वल टू टू एन माइनस वन, ये भी इम्पॉसिबल है। तो इन ईच पॉसिबल केस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y इम्प्लाइज x इक्वल टू y, therefore f इज़ वन वन। यानी हर पॉसिबल केस में ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है a यूनियन b टू b, ये वन वन है। अब ऑन टू प्रूव कर रहे हैं, लेट कर लें z बिलोंग टू b, यानी हमने इस सेट का एलिमेंट लेना है और प्रूव करना है कि इसके लिए हमें यहाँ से एक प्री इमेज मिल जाएगा, इसके हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक प्री इमेज मौजूद है, ये हमने प्रूव करना है। लेट z बिलोंग टू b, और b किसके इक्वल है, b माइनस डी यूनियन d के, इट्स मीन z बिलोंग करेगा या तो b माइनस डी को या फिर d को बिलोंग करेगा। अगर तो z बिलोंग कर रहा है b माइनस डी को, देखें अगर ये एलिमेंट b माइनस डी का है तो इसके लिए भी यहाँ पे a यूनियन b के अंदर भी b माइनस डी मौजूद है, और हर x1 जो b माइनस डी में है इसके लिए हमें एक x1 यहाँ b माइनस डी से मिल जाएगा कि जो इस x1 का प्री इमेज होगा। तो हर z बिलोंग टू b माइनस डी के लिए हमें एक z मिलेगा, सच डैट f ऑफ z इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ z के। नेक्स्ट है कि इफ z बिलोंग टू d, अब अगर जो z है वो d को बिलोंग कर रहा है, तो देखें d के एलिमेंट दो तरह के हैं, एक है ये d1 d3 d5 और एक है d4 d d2 d4 d6। अगर तो z है d के और k बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को और k है इवन यानी 2m है, तो इस सूरत में देखें जो इवन नंबर हैं d वाले d2n, ये इमेजेस हैं x इक्वल टू an के, तो हर d2m के लिए हमें एक एलिमेंट सेट a का मिल जाएगा am, सच डैट f ऑफ am इक्वल टू d2m। और अगर k इक्वल है 2n माइनस वन यानी ये ऑड है, तो देखें जो ऑड है वो सेट d के इमेजेस हैं, तो यानी हर d2n माइनस वन के लिए हमें सेट d का एक एलिमेंट मिल जाएगा जो कि dn होगा, ठीक है। यानी हर dn का जो इमेज है वो d2n माइनस वन है, तो f ऑफ dn इक्वल आ जाएगा d2n माइनस वन फॉर ईच dn बिलोंग टू d। तो सो ईच एलिमेंट ऑफ b इज इमेज अंडर f ऑफ सम एलिमेंट ऑफ a यूनियन b, सो f इज बाइजेक्टिव, therefore a यूनियन b इक्वलेंट होगा b के, और अगर ये इक्वलेंट है तो इट्स मीन इसका जो कार्डिनल नंबर और इसका कार्डिनल नंबर ये इक्वल होंगे, इसका कार्डिनल नंबर अल्फा प्लस बीटा, इसका बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा, ये प्रूफ होगा।